नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो इसके लिए हम कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। मेरे पास सिंघाड़े का आटा है 150 ग्राम। इसकी हम आज बर्फी बनाएंगे। इसके लिए हमको चाहिए देसी घी, 1 कप चीनी, ये 50 ग्राम चीनी होगी। 150 ग्राम हमारा आटा है और 50 ग्राम चीनी, क्योंकि हम हल्का मीठा बनाएंगे। कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, एक थाली लेंगे। इसमें हम बर्फी को फैलाएंगे। आधा लीटर पानी चाहिए हमको। एक कटोरा लेंगे हम, उसमें हम घोल तैयार करेंगे। आज पहले हम आटा को भूनेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, गैस को जला देंगे। ऐसे पैकेट में आता है आटा। गैस को धीमा करेंगे, धीमी आंच में हम आटा को भूनेंगे, नहीं तो जल जाएगा आटा। थोड़ा घी कम लग रहा है, घी और डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो आटा हमारा जल जाएगा और कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि गैस को हमने बिल्कुल धीमा रखा है। तो ये धीमी आंच में पक रहा है, बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। देखिए हल्का हल्का इसमें लालपन आ रहा है। लाल हो चुका है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है इसमें। गैस को बंद कर देंगे। चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई गर्म है तो जल जाएगा आटा। अब इसको हम पलट लेंगे, कटोरे में निकाल लेंगे। कढ़ाई से हमने आटा निकाल लिया है, इसमें हम हाफ पानी डाल देंगे। इसमें इतना घोल बनाने के लिए हमने रख लिया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। गैस को जला देंगे। चीनी को पिघला लेंगे। आटा हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब इसका हम घोल तैयार करते हैं। इसका जितना पतला घोल बनाएंगे उतनी अच्छी हमारी बर्फी बनकर तैयार होगी। एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बर्फी हमारी सेट होने में बहुत ही दिक्कत करती है। और इसमें जो आटा है वो ऐसे ही कच्चा बना रहेगा। पानी और डालेंगे। चीनी पिघल गई है। पहले हम थाली को ग्रीस करके रख लेते हैं। थाली
हमारी अच्छे से पिघल चुकी है। ये बाकी के जो घी बचा है इसमें डाल देंगे, ये घोल डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। सारा घोल हमने डाल दिया है, गैस को हल्का तेज करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। गैस को धीमा करेंगे, इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ये कुल्ठी आ जाएगी इसमें। इसको अच्छे से पकाएंगे, देखिए ये अच्छे से पक रही है। देखिए लपसी हमारी पक चुकी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। अब इसको हम परोस लेंगे। फैला लेंगे। फैला लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब इसमें ये गरी का जो बनाकर कद्दूकस करके रखा था उसको डाल देंगे। देखिए हमारी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है व्रत में खाने के लिए। इसको ठंडा होने के बाद हम चाकू से काट देंगे। इसको 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने देते हैं। देखिए बर्फी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम कट लगा देंगे चाकू की मदद से ऐसे। छोटी बड़ी आपको जिस साइज की बनाना है। ऐसे हम कट लगा देंगे। लंबी पीसों में काट रही हूँ। निकाल के दिखाते हैं हम। कितनी बढ़िया निकल कर बाहर आई है, बिल्कुल थाली में नहीं चिपकी हुई है।
ही आसान है बनाना, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो सकती है। जरूर इस नवरातन आप बनाकर खाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।